एक दूर देश में एक भारी भरकम शहर में अलाडिन नाम का एक नेकदिल लाटका रहता था। वो अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो गरीब थे लेकिन अलाडिन के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। एक दिन एक अजूबा अजनबी उनके दरवाजे पर आया। वो अजनबी एक खास लड़के की तलाश में था जिसे उसे केव ऑफ वंडर्स से एक जादुई चिराग लाने में मदद मिल सके। अलाडिन थोड़ा हिचकिचाहट के बाद उस अजनबी की मदद करने के लिए मांग गया, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपनी और अपनी मां की जिंदगी सुधार सकेगा। अजनबी अलाडिन को एक गुप्त रास्ते से लेकर गया, शहर से बहुत दूर। आखिरकार वो एक छिपे हुए गुफा में पहुंचे जिसका मुघानी बेलों से ढका हुआ था और अजीबोगरीब मूर्तियों से सुरक्षित था। जैसे जैसे अलाडिन गुफा में अंदर गया, उसने खुद को चमकते हुए हीरों और सोने चांदी से घिरा हुआ पाया। लेकिन अलाडिन को अजनबी के शब्द याद आए, वो यहां सिर्फ चिरक के लिए था और किसी चीज के लिए नहीं। वो आगे बढ़ता रहा, हर कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। गुफा के बीच में एक साढ़े पथार के चाबूतरे पर एक पुराना धूल भरा चिरक रखा हुआ था। जैसे ही उसकी उंगलियां चिरक को छुई, गुफा हिलने लगी। गुफा के हिलते ही अलाडिन की अंदर दहशत दौड़ गई। वो भागकर वापस गुफा के मुहाने की तरफ दौड़ा। उसके पीछे पीछे जमीन फट रही थी और गरज रही थी। जैसे ही गुफा का मुहाना बंद होने लगा, अलाडिन ठोकर मारकर गिर गया। चिराग उसके हाथ से फिसल गया और लुढ़कते हुए उसके हाथ से दूर चला गया। उसने सहज ही अंगूठी को रगड़ा किसी चमत्कार की उम्मीद में। अचानक धुएं का एक बादल पूरे गुफा में फैल गया और एक जोरदार आवाज गुफा में गूंज उठी। नमस्कार, मैं अंगूठी का जिन्न हूं। तुमने मुझे बुलाया है और मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करूंगा। जिन्न की उंगलियों के चटकने के साथ ही अलाडिन खुद को वापस तेज धूप में पाया। ढहती हुई गुफा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अलाडिन बैठ गया। उसका दिल अभी भी बाल बाल बचने की वजह से जोरों से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे वह इस खतरनाक स्थिति से बच निकला। उसने अपने हाथ में रखे चिराग को देखा, उसकी चमकती सतह को ध्यान से निहारते हुए। कांपते हाथों से अलाडिन ने चिराग को रगड़ा, यह सोचते हुए कि क्या यह वही जादुई चिराग है जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। गुलाबी धुएं का एक गुबार फूटा और एक विशाल जिन्न बाहर निकला। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। नमस्कार मालिक, चिराग के जिन्न ने जोर से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जिन्न ने झुकते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम्हारी तीन इच्छाएं हैं, सोच समझकर मांगना, जिन्न ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में गंभीरता थी। अलाडिन ने अपनी मां के बारे में सोचा जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखों में उसकी मां की चिंता और प्यार की छवि उभर आई। जिन, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं घर वापस चला जाऊं इतनी दौलत के साथ कि मेरी मां और मुझे फिर कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसकी उंगलियों के एक और चटकने के साथ अलाडिन खुद को वापस अपने छोटे से घर में पाया। उसकी बाहों में सोने और कीमती रत्नों से भरे हुए संदूक थे। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। उसकी मां बहुत खुश हुई और बहुत दिनों बाद पहली बार उनका छोटा सा घर हंसी और खुशियों से भर गया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अलाडिन ने अपनी नई मिली दौलत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। उसने अपने दिल की उदारता को और भी बढ़ा दिया। वह अपनी दयालुता और उदारता के लिए पूरे शहर में जाना जाने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसकी एक इच्छा बाकी थी और उसने उसका बुद्धिमानी से उपयोग करने की कसम खाई। वह जानता था कि यह आखिरी मौका है कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने का। अलाडिन की अचानक आई दौलत की खबर उस दुष्ट जादूगर के कानों तक पहुंची, जिसने तुरंत ही अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू कर दी। वह जादूगर एक साधारण यात्री के वेश में वर्षों से उस चिराग की तलाश कर रहा था, यह मानते हुए कि उसमें असीम शक्ति का राज छिपा है, और अब वह इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वह गुस्से से भर गया कि एक मामूली लड़का वहां सफल हो गया जहां वह विफल रहा था, और उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। वह अलादीन के शहर की यात्रा पर निकल पड़ा। उसका दिल ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ था और उसके मन में केवल एक ही विचार था, चिराग को हासिल करना। जादूगर ने महसूस किया कि वह केवल बलपूर्वक चिराग नहीं ले सकता, उसे एक चालाक योजना की जरूरत थी। उसे एक योजना की जरूरत थी, एक ऐसा तरीका जिससे अलादीन को स्वेच्छा से उसे चिराग देने के लिए बरगलाया जा सके। और इसके लिए उसने एक धूर्त योजना बनाई। उसने खुद को एक फेरी वाले के रूप में प्रच्छन्न किया। उसकी पीठ पर बर्तन,
कड़ाही और अन्य छोटी मोटी चीजें लदी हुई थीं, ताकि वह आसानी से भीड़ में घुलमिल सके। लेकिन उसके सामान के बीच सुंदर चमकते हुए चिरागों का एक संग्रह छिपा हुआ था, जो उसकी योजना का मुख्य हिस्सा था। एक धूप वाली दोपहर जैसे ही अलैडिन वहां से गुजर रहा था, जादूगर ने उसे आवाज दी। उसकी आवाज में झूठी दया झलक रही थी और उसने अलादीन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। बिक्री के लिए बढ़िया सामान, एक सुंदर जवान आदमी के लिए सुंदर चिराग, वह चिल्लाया और उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। अलादीन खतरे से अनजान अपने पुराने चिराग को नए के बदले देने के लिए तैयार हो गया और दुष्ट जादूगर के जाल में फंस गया, ये सोचते हुए कि वह एक अच्छा सौदा कर रहा है। जैसे ही अलादीन ने पुराना चिराग सौंपा, जादूगर मुश्किल से अपनी खुशी को रोक सका। उसने चिराग छीन लिया, उसकी उंगलियां प्रत्याशा से कांप रही थीं, लेकिन उसकी हैरानी के लिए कुछ नहीं हुआ। अचानक अलादीन की उंगली पर पहनी अंगूठी चमकने लगी। अंगूठी का जिन्न उनके सामने प्रकट हुआ, उसका हाव भाव गंभीर था। आपका चिराग खतरे में है मालिक, जिन्न ने घोषणा की। जादूगर चौंक गया, दहशत में पीछे हट गया, भागने की जल्दबाजी में जादुई चिराग गिरा दिया। अलादीन अपना मौका देखकर गिरे हुए चिराग की ओर दौड़ा। जादूगर ने चिराग के लिए झपट्टा मारा। जैसे ही वे दोनों उस तक पहुंचे, उसकी उंगलियां अलादीन की उंगलियों से टकरा गईं। एक संघर्ष शुरू हो गया, चिराग पर नियंत्रण के लिए एक हताश लड़ाई। उनके संघर्ष की आवाज ने शहरवासियों और सुल्तान के पहरेदारों का ध्यान खींचा। जादूगर यह महसूस करते हुए कि वह संख्या में कम है, उसने एक हताश निर्णय लिया। उसने कुछ शब्द ऐसी भाषा में बोले जो वहां मौजूद लोगों को समझ में नहीं आई और ऊर्जा की गड़गड़ाहट के साथ वह गायब हो गया। हालांकि जादूगर के चंगुल से मुक्त होकर राहत मिली, लेकिन अलादीन जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। जादूगर निश्चित रूप से चिराग के लिए वापस आएगा। उसने चिराग रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न अलादीन ने कहा, हमें जादूगर को रोकने का कोई रास्ता खोजने की जरूरत है। जिन्न ने सोच समझ कर अपनी दाढ़ी को सहलाया। जादूगर का जादू शक्तिशाली है मालिक, उसने स्वीकार किया, लेकिन यह आपकी त्वरित सोच और दयालु हृदय जितना शक्तिशाली नहीं है। अलादीन ने जिन्न के शब्दों पर विचार किया। उसके मन में एक विचार आने लगा। जिन्न, अलादीन ने कहा, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हमें क्या करना है। योजना पर अमल शुरू हो गया। इसी बीच दुष्ट जादूगर ने खुद को गुस्से से उबलते हुए एक सुदूर द्वीप पर पहुंचाया था। उसे चिराग पर हाथ रखने के लिए एक नई योजना की जरूरत थी। वह सुल्तान की बेटी राजकुमारी जैस्मीन के लिए अलादीन के बढ़ते स्नेह के बारे में जानता था। अपने काले जादू का उपयोग करते हुए जादूगर ने राजकुमारी की एक दृष्टि पैदा की, एक आदर्श प्रतिकृति, सिवाय इसके कि यह जैस्मीन ठंडी और हृदयहीन थी। उसने अपनी रचना को महल में भेजा। उसे अलादीन और असली राजकुमारी जैस्मीन के बीच कलह और अविश्वास बोने का निर्देश दिया। उसकी योजना गति में थी। उसका हृदय एक भयानक निश्चितता से भर गया था कि इस बार जीत उसकी होगी। झूठी राजकुमारी महल में पहुंची। उसकी चालाकी और सुंदरता ने सभी का ध्यान खींचा। उसकी सुंदरता ने अलादीन को छोड़कर सभी को मोहित कर लिया। हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था, लेकिन अलादीन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी छठी इंद्री उसे सचेत कर रही थी। नकली राजकुमारी ने अलादीन के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया, जिससे महल में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। राजकुमारी के मन में जहर घोलने के लिए डिजाइन किए गए झूठ फुसफुसाए। हर कोई उसकी बातों में आ गया। जैस्मीन भ्रमित और आहत अलादीन की ईमानदारी पर संदेह करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे, लेकिन अलादीन अपने ईमानदार दिल और अटूट प्रेम के साथ हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई सामने लाकर रहेगा। उसने जिन्न से मदद मांगी, जो हमेशा उसकी सहायता के लिए तैयार रहता था। अलादीन ने एक योजना बनाई जो बहुत ही चतुराई से तैयार की गई थी, एक ऐसी परीक्षा जिसे केवल असली राजकुमारी जैस्मीन ही पास कर सकती थी। योजना काम कर गई और सबने देखा कि असली राजकुमारी कौन है, और नकली राजकुमारी का असली चेहरा सामने आ गया। उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। सुल्तान ने खतरे को भांपते हुए नकली को महल से भगा दिया। महल में अब शांति लौट आई थी। जादूगर के टूटे हुए जादू के साथ सभी बुराइयां समाप्त हो गईं। अलादीन और जैस्मीन आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए और उनका मिलन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उनका शासन प्रेम, साहस और थोड़े से जादू की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। उनका राज्य खुशियों से भर गया और सभी ने मिलकर जश्न मनाया।